तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्लेंडर, और उसको 1 महीना हो गया है, तो देखेंगे उसमें क्या-क्या चेंजेस आए हैं 1 महीने के बाद, आए भी हैं कि नहीं आए, चलने में कैसी है और कितने किलोमीटर चले गई। तो आज सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा और किस कंडीशन में है 1 महीने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर फ्रंट की बात करें तो कुछ ऐसे दिखती है बाइक हमारी, और अभी भी वैसी कंडीशन में, अभी नई लगती है काफ़ी, बस थोड़ा गंदी हो रखी है क्योंकि मैं इसे डेली चलाता रहता हूँ और आजकल थोड़ा बरसात का मौसम है तो बाइक थोड़ा गंदी हो रखी है। कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर साइड की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखती है अभी भी, और अगर बैक साइड की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से हमारी बाइक दिखती है। तो अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन तो क्या है, अभी नई गाड़ी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा स्क्रैच यहाँ पे आ गया, वो मैंने खड़ी करी थी तो बच्चों ने मार दिया। और अगर मैं बात करूं कि ये बाइक चली कितनी है, तो ये चली है 351 चल चुकी है, और 500 किलोमीटर होने पे मैं इसकी सर्विसिंग कराऊंगा। तो अभी जैसे साइड स्टैंड पर खड़ी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइड स्टैंड का साइन आ रहा है, और यहाँ पर इंडिकेटर्स का आता है, यहाँ पर लाइट का आता है, यहाँ पर इंजन का आता है, यहाँ पर i3s का आता है, ये i3s का ऑन ऑफ का है, ये न्यूट्रल का आता है, ये फ्यूल का आता है, क्योंकि इसमें कम है, अभी कम तो नहीं है लेकिन साइड स्टैंड में खड़ी है तो आपको लग रहा है ऐसा। और यहाँ पे USB का आता है, और आज भी अच्छे कंडीशन में काम करते हैं, 1.5 महीना हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी चल रहा है बढ़िया। बस अभी जो गाड़ी में मेरे को लग रहा है थोड़ा दिखने में, बस वो एक यहाँ पर टैंक में थोड़ा सा स्क्रैच पड़ गया, और गाड़ी एकदम अभी भी नहीं है, बस थोड़ी गंदी हो गई है गाड़ी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत गंदी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि बरसात का मौसम है, मेरी डेली रनिंग रनिंग रहती है तो काफ़ी कीचड़ वगैरह रहता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इंजन गार्ड मैंने लगाया था, आप देख रहे हैं इसकी हालत कैसी होगी, कितना कीचड़ इसने बचा रखा है। तो मैं इसको जल्दी वॉश करवाऊँगा, फिर दिखाऊँगा आपको कैसे लग रही है, नहीं लग रही, नहीं लग रही है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरीके से, अब आप कह रहे होंगे ये क्या है, तो यहाँ पर मैं रखता रहता हूँ कपड़ा वगैरह बाइक साफ़ करने के लिए, कहीं स्पेस तो होता नहीं है बाइक में, तो मैं यहीं पे रख देता हूँ। और अगर मैं ये दिखाऊँ तो देखो अभी कितना गंदा हो रखा है, ये सब कीचड़ से है, और बाकी अभी भी पूरी नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्प्लेंडर की बैजिंग भी अभी भी है, और i3s की बैजिंग भी अभी भी है। और जैसे मैं आपको नंबर प्लेट का, अगर मैं आपको पहले दोबारा बताऊँ, तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि नंबर प्लेट में ये जो केस होता है ये क्यों लगाते हैं, ये होती बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, अगर आप इसको कहीं पार्किंग में या कहीं भी खड़ी करते हैं तो ये हल्की सी भी कहीं पे भी टच होती है ना, तो ये मुड़ जाती है, और ये टूट गई तो फिर आपको दोबारा से बनवानी पड़ेगी, पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा दोबारा, और आपके चक्कर ज़्यादा लग जाएंगे। तो 100 रुपये का लेके मेरे को ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा पैसा भी नहीं गया और काम भी काफ़ी अच्छा हो गया। और इसके अंदर आता है जो ये पावर स्टार्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको इसके टूल आ जाते हैं, और मेडिकल की एक छोटी सी किट होती है वो आ जाती है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और सबसे अच्छी मेरे को इस नई वाली में ये लगती है, जो हीरो की बैजिंग आती है, जो पुरानी वाली आती थी उसमें नहीं आती थी, वहाँ पे स्टिकर आता था, यहाँ पे बैजिंग आती है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे को बहुत हल्का लगा, आप इसको खोलोगे तो ईज़िली ये खुल जाएगा, अभी मैं खोल तो सकता हूँ लेकिन रहने दो, इसे खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको कह रहा हूँ ये काफ़ी हल्का है, अगर कोई इसको यूँ करके और पीछे को खींचेगा तो ये खुल जाएगा ईज़िली। तो कुछ अगर, और मैं आपको इसका मीटर भी दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का मीटर आता है, ये मोड का बटन है, और मोड अगर आप दबाएंगे तो ट्रिप भी दिखा रहा है 230, टोटल दिखा रहा है 553, ट्रिप ए दिखा रहा है 551। तो अगर मैं दिखाऊं तो आप टोटली गाड़ी इसका ऑडियो जो चला हुआ है वो चला है 353 का, तो कुछ इस तरीके से आती है। और USB वाला मैंने चार्ज करके देखा था तो प्रॉपर चार्ज होता है। और अगर मैं इसके कंट्रोल्स की बात करूं तो ये i3s का है, ये ऑन ऑफ, जिस जिन भाइयों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उसमें इससे क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे भी रुकते हैं रेड लाइट वगैरह में, न्यूट्रल कर दो गाड़ी तो ये कुछ सेकंड बाद बंद हो जाती है, और फिर आप अपना क्लच दबाओगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आप अपना गियर लगा के आगे बढ़ जाइए, तो इससे फ्यूल सेव होता है। अब कितना होता है ये मुझे पता नहीं है, पर कंपनी ने यही बोला हुआ है इसीलिए ये फीचर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा भी है। और अगर बाइक में साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी आप जैसे ही गियर पे डालोगे बंद हो जाएगा, न्यूट्रल पे बस स्टार्ट रहेगी। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से सीट कवर ये कंपनी की तरफ से ही मुझे मिला हुआ था, उन्होंने अपनी तरफ से दिया था, हेलमेट दिया था, और एक हेलमेट भी दिया था, और एक यहाँ पे स्टिकर आता है, ये पूरा का पूरा मिट गया है यहाँ पे, इसका बारकोड वगैरह। तो कुछ इस तरीके से आती है,
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस बाइक में ज़्यादा कोई चेंजेस आया नहीं है, बाई चांस कोई चेंजेस आता है या इसकी सर्विसिंग कराऊंगा 500 में तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो चलिए थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, इतना ही, तब तक के लिए बाय।